हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। और आज सोचा क्या टॉपिक वीडियो बनाऊं, और काफी दिनों से ये वीडियो पेंडिंग था कि काफी लोग मतलब इस चीज से परेशान हैं या फिर डीमोटिवेटेड हैं, या फिर एक तो बोलते हैं कि जब भी कोई डेंटिस्ट काम करता है या फिर किसी से बात करता है तो अक्सर सुनने को मिलता है कि डेंटिस्ट तुम क्या डॉक्टर हो? तुम डॉक्टर तो नहीं हो, तुम डेंटिस्ट हो, दांत उखाड़ने वाले हो, दांत निकालने वाले हो। तो बेसिकली काफी लोगों को ये चीज हर्ट होती है, दिल पे लग जाती है बात कि जब लोगों को ऐसा बोलते हैं तुम तो डॉक्टर नहीं हो। तो देखिए, अपना अपना परसेप्शन है। अगर आप ये बात दिल पे लगा दोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी सबसे पहले तो। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया में हर जगह में ऐसा ही होता है। इट्स एवरीवेयर, डेंटिस्ट इज अ डॉक्टर और नॉट। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं ये कुछ पॉइंट्स क्लेरिफाई करना चाहता हूं, अगर डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होता, अब देखिए एक डेंटिस्ट बीडीएस होता है, वो डॉक्टरेट तो नहीं होता, पीएचडी तो नहीं की होती उसने, तो फिर उसके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगता है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जानना चाहिए। मेडिकल साइंस में इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द टूथ एंड द पैराओरल स्ट्रक्चर्स। बेसिकली डेंटिस्ट्री ये है ना, तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं हुए? अब डॉक्टर जान बचाता है, राइट? बेसिकली एमबीबीएस डॉक्टर क्या करता है? जान बचाता है। बेसिकली हाई फीवर से आपको मरने से बचाता है, सीवियर पेट में दर्द होने से आपको बचाता है, अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है और डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर आपको बचाता है। डेंटिस्ट क्या आपको बचाता नहीं है? डेंटिस्ट भी आपको काफी इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें बचाता है। फेशियल ट्रॉमा हो गया, इफ देयर इज फेशियल ट्रॉमा एवरीवेयर द फेस विल बी लाइक सो मच स्वेलिंग एंड विद पैंडा फेसिस एंड बायलैटरल सर्कमऑर्बिटल एडिमा होता है एंड मैंडिबुलर फ्रैक्चर ये होता है। अब मैं अगर एक एग्जाम्पल आपको दू प्लास्टिक सर्जन और डेंटिस्ट का, एक प्लास्टिक सर्जन क्या करता है? प्लास्टिक सर्जन बर्न इंजुरीज को ठीक करता है, चेहरे को ठीक करता है, डिफरेंट एरियाज में कुछ भी अगर खराब हो जाए प्लास्टिक सर्जरी उसको ठीक करता है। प्लास्टिक सर्जरी से राइनोप्लास्टी होती है, लिप्स ठीक होते हैं। तो क्या ये डेंटिस्ट और ओएमएफएस मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं कर सकते हैं? उनकी टीम नहीं कर सकती है? प्लास्टिक सर्जन और ओएमएफएस की टीम ही, वो तो डेंटिस्ट ही होना है बेसिकली, भले ही वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, तो फिर सर्जन क्यों नाम लगा? ओके, अब जैसे मैं अपनी ही ब्रांच की अगर बात कर लूं तो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। सो आई एम डीलिंग मेडिसिन, आई एम गिविंग एलोपैथिक मेडिसिन एंड आई एम डीलिंग विद रेडियोलॉजी, आई एम डूइंग रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, आई एम डायग्नोसिंग कैंसर विद द रेडियोग्राफ्स। सो क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं? एम आई नॉट अ डॉक्टर इफ आई एम एबल टू डायग्नोस अ केस ऑफ कैंसर विद बाय सीइंग द रेडियोग्राफ? आई एम अ डॉक्टर। I am writing medicines, I am writing Augmentin, I am writing Zerodol SP, I am relieving the pain of the patient, right? Our doctor is supposed to relieve the pain of the patient. So where does this comes, like dentists are not doctors? Yes, they do not deal with the entire body. They do not deal with the appendix. They do not deal with any other body part apart from the head and neck region. But hey, dentists are doctors, right? It's not written in any book, it's not written in any journal. It's just individual's perception, the individual mindset, the individual thinking. ऐसा तो नहीं है कि हर लोग, आप पहले ये चीज, आप जो भी डेंटिस्ट ये देख रहे हैं वीडियो, पहले सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लोज योर आईज एंड थिंक, ये बात आपको किसने ये बात बोली है आपको, राइट? फिर आप देखिए कि उन जिन लोगों ने ये बात आप लोगों को बोली है, रियली आपको उससे कुछ फर्क पड़ता है, या फिर रियली वो लोग आपके लाइफ में मैटर करते हैं? अगर मैटर नहीं करते हैं तो क्यों आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं? आप अपना काम करिए, आप आराम से अपना काम करिए, क्लिनिक करिए, हॉस्पिटल में काम करिए। इनफैक्ट डेंटिस्ट आर इवन डूइंग डिलीवरीज एंड अदर जॉब्स, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वेयर देर आर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। दे आर गिविंग सो मच टू द सोसाइटी। All some places in Odisha where extreme poverty is there, dentists are going there. They are treating the patients, giving injections, giving basic life support, doing all the traumatic cases. So dentists are doctors. कितने सारे मैंने आपको reason बता दिए कि dentists क्यों doctors? Dentists को खराब नहीं लगना चाहिए जब कोई उनको बोले। बोलने वाला तो भाई बोलते ही रहेंगे, ठीक है?
तो फिर आपको ये सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। काफी लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है जब ये सब सुनते हैं, और काफी लोग पूछते हैं सर मेडिसिन लिख, बिल्कुल आप मेडिसिन लिख सकते हो, फीवर का मेडिसिन लिख सकते हो, आपको जहां पे कॉन्फिडेंस है आप मेडिसिन लिख सकते हो। और अब जब देख रहे हो एक पेशेंट आपके हाथ से बाहर जा रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको आप रिफर कर दीजिए, राइट। अगर आप देख रहे हैं एक पेशेंट आया सीवियर वॉमिटिंग आया, उसके आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं है, आप ही एक डॉक्टर हो, तो आप लिख सकते हो पेशेंट को एक मेडिसिन, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए यू कैन रिफर हिम टू द हायर सेंटर। पर जो केस जो बिल्कुल न्यू नेटल केस है, बिल्कुल यंग बॉर्न है, तो उसको आप मत हाथ लगाइए, क्योंकि वो इवन एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हैंडल नहीं कर सकता है। दोज आर हैंडल्ड बाय द पीडियाट्रिशियंस, न्यूनेटोलॉजिस्ट्स, गायनेकोलॉजिस्ट आर टेकिंग अप गायनिक केसेस, दे आर नॉट ट्रीटिंग एक्ने और दे आर नॉट ट्रीटिंग एनी केसेस लाइक हेयर का कुछ ट्रांसप्लांट हो गया। गायनेकोलॉजी वाले गायनेकोलॉजी काम कर रहे हैं, स्किन वाले स्किन वाला काम कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगा तुम स्किन स्पेशलिस्ट हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, तो फिर क्या होगा? अब मुझे बताइए। अब WHO वाले कम्युनिटी मेडिसिन वालों को जॉब देते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा तुम लोग डॉक्टर नहीं हो, तुम लोग WHO में काम करो, तुम लोग पेशेंट ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप डॉक्टर नहीं हो। बोलने वाले आपको 1000 मिलेंगे, ठीक है। अब मैं MBBS डॉक्टर को भी बोल सकता हूं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम डॉक्टर नहीं हो, आप मान लोगे? तो इसमें गुस्सा होने वाली या फिर खराब लगने वाली बात, देयर इज नथिंग टू गेट डिमोटिवेटेड इन दिस, दिस इज ऑल बुलशिट विच इज देयर इन द सोसाइटी। और आपको इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं डेंटिस्ट की कोई रेस्पेक्ट नहीं है। रेस्पेक्ट बढ़ाओ यार, अपनी रेस्पेक्ट खुद ली जाती है काम करके, मेहनत करके, कॉन्फिडेंस लाके, तभी ना आप रेस्पेक्ट पाओगे। अगर आपके क्लिनिक में अच्छे खासे पेशेंट होते हो, तभी उस एरिया में आपका नाम होगा। और तब क्या लोग बोलते हैं, वो अच्छा का डॉक्टर है, वो अच्छा डॉक्टर है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हाँ, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत आपको ये सब चीज झेलना होता है कि ये सब डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते और ये सब वगैरह वगैरह ढिमकाना। अगर आपको यही जॉब, आपको 70-80 हजार रुपए की जॉब लगी होती है एज ए डेंटिस्ट, कौन बोलता है ये? हालांकि अभी डेंटिस्ट्री का रिसेशन चल रहा है, इसकी वजह से लोग बोल रहे हैं ना कि डेंटिस्ट क्या डॉक्टर होते हैं, कुछ नौकरी वगैरह तो पैसे होते नहीं इनके पास। तो यही मेन कारण है कि डेंटिस्ट की अभी जॉब्स नहीं है। थोड़े दिनों के लिए और रुक जाइए बस, और 2-3 साल के बाद सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, मुझे लगता है। ऐसे स्ट्रीमलाइन होगा मतलब ऐसा नहीं कि जॉब्स सडनली स्टार्ट हो जाएंगी, पर ये सरकार जरूर कुछ करेगी मुझे फील होता है। और टोटल सिचुएशन रिवाइव होने में मैं तो एक वीडियो बनाया था कितना टाइम लगेगा मैंने बताया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल सिचुएशन, मतलब उसका मतलब ये है कि द एंटायर डेंटिस्ट्री विल बी अ वेरी गुड फैटर्निटी एंड वो धीरे धीरे सुधरेगा ये कंडीशन। तो आज का वीडियो यही बनाता हूं, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज ठोक दीजिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फॉलो करिए इंस्टाग्राम में साई डेंटल ब्लॉग्स में। और मुझे क्वेरीज कुछ अगर आपको मैसेज करनी है तो प्लीज इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करिए, आई विल पर्सनली गिव अटेंशन। इंस्टाग्राम में बहुत लोग मुझे अपना नंबर पूछते हैं, मैं नंबर नहीं दे सकता सबको, बिकॉज मुझे काफी पेशेंट्स के भी कॉल आते हैं, घर वालों के कॉल आते हैं, तो उनके बीच में उनको टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप मुझे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, इंस्टाग्राम में प्लीज खोलिए अपना अकाउंट और साई डेंटल ब्लॉग्स मारिए, मेरा चेहरा दिख जाएगा आपको सुंदर सा मुखड़ा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।